सो हेवियंस मैं भी होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही बड़ी चेंजेस की गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में। जी गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैंने क्या आपको बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी, लेकिन वो सीधा साधा गलत निकली। जी गाइस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आज ऑफिशियल तरीके से बताया है कि ये जो है बीएससी बीकॉम और बीए बीएफए बीपीए का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो वीडियो को पूरा फुल एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे, ये पूरा आपको मैं ऑफिशियल तरीके से जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले कि आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, लेकिन जो मैंने आपको न्यूज दिया था वो गलत हो गया। जी गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यही न्यूज मिली थी कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा यानी एडमिशन प्रोसेस आपको जो है ऑनलाइन मोड पे देखने को मिलेगा, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बड़ी चेंजेस कर दिया कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम ही ऑफलाइन कर दिया। जी गाइस बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जहां तक मैंने जो काउंसलिंग की जो नोटिस आई है उसमें जो है बीएससी बीकॉम और बीए बीएफए बीपीए कोर्स को ही इंक्लूड, लेकिन बीएससी बीकॉम बीए बीएफए बीपीए के जो बच्चे हैं वो जो इनकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो ऑफलाइन मोड में होने वाली है, यानी आपको जो है प्रवेश भवन जाके अपना काउंसलिंग प्रोसेस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम दी गई है। कहां पे आना है आपको? प्रवेश भवन छतनाम लायंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और काउंसलिंग या फिर एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कि आपका बीएससी बी बीए बीएफए बीपीए का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। तो इसमें नोट पॉइंट ये भी रखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे पूरा COVID-19 का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, यानी मास्क वगैरह लगाएंगे, 2 फीट की डिस्टेंस बना के रखेंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया कि ये जो एडमिशन होगा पूरा स्ट्रिक्टली जो है मेरिट एंड एबिलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पे ही लिया जाएगा, यानी धांधली की कोई केसेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी धांधली जरूर करेगा ऑफलाइन वाले एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बीएससी बीकॉम बीए बीएफए बीपीए का जो काउंसलिंग मोड था वो उसको चेंज करके यानी उसको ऑफलाइन मोड पे कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, तो अभी तक आपको नहीं पता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीए कट ऑफ कब होगा या फिर नहीं होगा, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, तो ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लिंक जो है उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगर बीए का जो डॉक्यूमेंट लगने वाले जिस दिन आपका जो प्रवेश भवन पे बुलाया गया उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसकी भी जो है वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, उसको जरूर जरूर देख लेना, नहीं तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आपका जो एडमिशन भी नहीं होगा, यानी एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, कट ऑफ के रहने के बावजूद भी आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, ऊपर आई वाले बटन पे भी दे दिया और नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। वो दोनों वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लेना, लेकिन ये जो आज की मैं आपको न्यूज बताएं बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए आज वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली नई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।